अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टीम वकार की तरफ से आज आपको ओवरव्यू देने आया हूँ बाइनेंस डॉट कॉम का। आज तारीख है 5 फरवरी 2021 और बेसिकली इसका ओवरव्यू दूंगा, कुछ ऊपर नीचे चीज़ें बता दूंगा ताकि सिक्योरिटी वाइज वगैरह वगैरह इजीली आप स्टार्ट ऑफ कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले टिप आपने ये देखना, जब भी आप इस यहाँ पे आएँ तो ये देख लिया करें कि बाइनेंस डॉट कॉम सही वेबसाइट पर आएँ, क्योंकि अगर किसी ने आपको लिंक वगैरह दिया है तो हो सकता है स्कैमर वगैरह हो या कोई हो और लिंक में कुछ गड़बड़ हो, तो उससे जो है आपका अकाउंट हैक हो सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप लिंक पे जाके अपना पासवर्ड आईडी वगैरह डालोगे तो उसकी वजह से चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो सही वेबसाइट पे आइएगा, ये लिंक है binance.com। ठीक है, अच्छा जी, मूविंग ऑन। तो सबसे पहले हमारे पास, हम यहाँ वेबसाइट पे आएंगे, इस तरह का पेज खुल जाएगा। साइन अप नहीं किया तो साइन अप कर लें, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें या अपना फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस कुछ डालें आप, और उससे फिर देखें यहाँ पे क्लिक करें और लॉग इन कर लें, यहाँ पे अपना साइन अप कर लें। ठीक है, जैसे फेसबुक वगैरह का अकाउंट बनाते हैं उस तरीके से साइन अप कर लें। मैंने तो मेरा तो बना हुआ है, तो मैंने तो बस अपना यहाँ पे फ़ोन की ऐप से ज़रा स्कैन कर लेता हूँ ताकि कुछ जो है मुझे और करने की ज़रूरत ना पड़े। आप नॉर्मली भी लॉग इन कर सकते हो, वैसे भी अपनी सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले इसमें चीज़ आपने देखनी है, देखें यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है बाय क्रिप्टो का। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आप दुनिया में कहाँ रहते हैं, किस रीजन में रहते हैं, कौन सी करेंसी है, क्या है क्या नहीं है, आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। मैं यूके में रहता हूँ तो यहाँ पे पाउंड नज़र आ रहा है, GBP। ठीक है, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि भाई क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो। इसमें बाइनेंस जो है, बेसिकली जब आप इस तरीके से खरीदते हो तो आप बाइनेंस से डायरेक्टली खरीद रहे हो, तो किसी बंदे से नहीं खरीद रहे होते। ठीक है, तो ये मेथड जो है वो प्रेफरेबल है और ये रेकमेंडेड भी है, ये कि आप डायरेक्ट एक्सचेंज से खरीदो। P2P ट्रेडिंग में आप जो है वो बेसिकली ये पीयर टू पीयर ट्रेडिंग है, कोई और बंदे ने अपने बेचने, अब उस स्क्रीन की दूसरी साइड पर कोई भी बैठा हुआ हो सकता है, तो फ्रॉड भी हो सकता है, स्कैमर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो ज़रा ध्यान से यहाँ पे ट्रेडिंग क्या करें, अगर आप P2P से ले रहे हैं USDT वगैरह बिटकॉइन वगैरह, तो ये जो है P2P रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप जो है ये, फिर आई थिंक मोस्ट लोगों के पास शायद ये दो ऑप्शन ना आए। तो बेसिकली मेन ऑप्शन हमारा है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वाला और P2P वाला। तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में अगर हम यहाँ पे आए तो बेसिकली आप यहाँ पे अपनी अमाउंट टाइप करते हो, पाकिस्तान वगैरह में हो तो यहाँ पे आप USD सेलेक्ट कर लो, PKR भी आई थिंक आता है, लेकिन अगर USDT सेलेक्ट कर लो बेहतर है। फिर यहाँ से आप बेसिकली जो कॉइन आपने ख़रीदना है वो सेलेक्ट कर लो, BTC सेलेक्ट हुआ, और BTC रिकमेंडेड मैं पर्सनली रिकमेंड इसलिए नहीं करता, मर्जी आपकी, आप खरीद सकते हो जो मर्जी है, इथेरियम, BUSD, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट खरीद सकते हो। कोई नीचे चला गया, तो ये आप सारी इतनी सारी जो है डायरेक्ट खरीद सकते हो। USDT रिकमेंडेड है क्योंकि BTC अगर आपने लिया है, जब BTC की प्राइस हाई है और फिर BTC अपनी वैल्यू में लो जाता है, मतलब नीचे चली जाती है प्राइस, तो आपके जो डॉलर्स वाइज है वो पैसे कम हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो डॉलर अगर आप लोगे, क्योंकि USDT जो है वो एक स्टेबल कॉइन है, ठीक है, समझो ये क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का डॉलर है। ठीक है जी, ये खरीद सकते हैं आप, यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैंने अपनी कार्ड की डिटेल डाल के रखी भी, आप चाहो तो यहाँ पे अपने कार्ड वगैरह कनेक्ट करके, अच्छा USDT सेलेक्ट करना था मैंने, तो ये हो गया USDT सेलेक्ट। लेट से मैंने $100 का ख़रीदना है, यहाँ पे आ गया, ये आ जाएंगे, बाय नाउ पे क्लिक करूँगा, ये बस मुझसे चीज़ें कंफर्म हो जाएगा, अगर लेना है ऑब्वियसली मैंने लेना नहीं है तो ये बाय हो जाएंगे। ठीक है जी, कोई फीस वगैरह थोड़ी बहुत कट जाती है, काट लेता है वो, तो उसकी टेंशन नहीं करनी हमने। अच्छा जी, मूविंग ऑन। तो यहाँ से आप ये बाय सेलिंग का हो गया, इसके बाद आपकी आ गई मार्केट। तो मार्केट क्या होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अक्सर लोग बोलते हैं उनको कॉइन नहीं मिल रहा, ये कॉइन नज़र नहीं आ रहा, बाइनेंस पे नहीं है, या कुछ ऐसी क्वेश्चन वगैरह आते हैं। तो आपने ये देखना है, मार्केट है ना, ये मार्केट लिखा हुआ है, मार्केट्स, मार्केट्स का मतलब होता है आप क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं इस एक्सचेंज पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप जब आते हो तो यहाँ पे आप देखो,
फेवरेट्स तो अगर आपने कोई कॉइन फेवरेट वगैरह किया हो, जैसे मैंने नियो BTC किया हुआ है, तो ये मेरा यहाँ आ जाएगा। और ये है स्पॉट मार्केट, यहाँ पे आपने देखना है, ठीक है। स्पॉट की मार्केट बेसिकली वो है कि नॉर्मल ट्रेडिंग जो आपकी है, ठीक है, ये स्पॉट की मार्केट है। ये है फ्यूचर्स की मार्केट। फ्यूचर्स रिकमेंडेड नहीं है अभी किसी को भी। हाँ, फ्यूचर में अगर आप बड़े एक्सपर्ट हो, आप 5-6 सालों से ऑलरेडी हो, वो एक अलग बात है, आपको पता है, वरना स्पॉट में रहे, ठीक है। स्पॉट में हम देखते हैं, यहाँ पे क्लिक ऑलरेडी हुआ है वैसे तो। अब यहाँ पे आती है पेयर। पेयर क्या चीज़ होती है? पेयर ये मतलब पेयर का मतलब ये होता है कि हमारे पास क्या चीज़ है और हम उससे क्या खरीद सकते हैं, ठीक है। लेट्स से हमारे पास बिटकॉइन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब बिटकॉइन से मैं क्या क्या दूसरा कॉइन खरीद सकता हूँ, तो वो यहाँ सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी, ठीक है। अब ये देख रहे हैं, यहाँ पे ऑल लिखा है, फिर BNB मार्केट लिखा है, फिर BTC मार्केट लिखा है, फिर आल्ट मार्केट लिखा है, फिर फियाट लिखा है, फिर ETF वगैरह। इसको छोड़ दें, ये फियाट, आल्ट, BTC और BNB। BNB बेसिकली जो है वो बाइनेंस का अपना टोकन है, कॉइन है, ठीक है। तो आप जो है BNB अगर आपके पास है, ठीक है, कुछ तो वो आप उससे ले सकते हो। और फिर आपके पास BTC की मार्केट आ गई। अगर आपके पास BTC मौजूद है तो आप उसको मतलब BTC से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। और फिर आल्ट्स, आल्ट्स में आपके पास इथेरियम वगैरह आ गई, आई थिंक मेजरली इथेरियम ही, हाँ इथेरियम ही है यहाँ पे। तो इथेरियम अगर आपके पास पड़ा है तो इथेरियम से भी बहुत सारे आप कॉइन, ये देख रहे हो कितने सारे कॉइन्स ले सकते हो। और फिर आपके पास फियाट में आपके पास USDT आ गया, BUSD आ गया, डाई आ गया, TUSD आ गया, यूरो आ गया, ब्रिटिश पाउंड आ गया, और इस तरह की है दूसरी मतलब फियाट करेंसी। फियाट करेंसी बेसिकली हमारी जो पेपर करेंसी होती है ना, उसको कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फ्यूचर्स की मार्केट भी बस इसी तरह होती है। फिर ये USD मार्जिन फ्यूचर्स हैं, ठीक है, सारे वही फ्यूचर्स ही है बेसिकली। और फिर ये कॉइन मार्जिन फ्यूचर हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम वापस अगर स्पॉट पे आ जाए, तो यहाँ पे हम इससे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको किसी, देखें अब यहाँ पे ज़रूरी होता है, अगर आप अगर कोई कॉइन का सिग्नल दिया है, ठीक है, इथेरियम का, बिटकॉइन का सिग्नल दिया है, तो हमने देखना होता है वो हम जो है वो किस चीज़ से खरीद सकते हैं। क्योंकि अक्सर BTC का पेयर दिया जाता है, और हो सकता है कि BTC का जो सिग्नल दिया है ना, वो USDT में अवेलेबल ना हो सकता है। तो अगर आपके पास BTC है तो आप उससे ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर नहीं है कोई ऐसी मसला नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तो आती जाती रहती हैं क्रिप्टो में, कोई ऐसी बात नहीं है। जब डॉलर का मतलब USDT का सिग्नल आए तो आप वो खरीद सकते हो, उससे ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो फोमो का शिकार नहीं बनना है। फोमो का मतलब क्या होता है? फोमो का मतलब होता है फेयर ऑफ मिसिंग आउट, डोंट गेट इन टू दैट। अगर आप उसका शिकार बन गए तो बस फिर शिकार बन गए, तो फिर कुछ ना कुछ मसला ही हो सकता है, ठीक है। तो चलती हुई ट्रेड में कूद देंगे तो फिर नुकसान ही होगा। अच्छा जी, तो मार्केट के बाद हम आते हैं ट्रेड में। ट्रेड में क्या होता है भाई? कन्वर्ट, मतलब अगर आपके पास कुछ कन्वर्ट, आपको पास कुछ पड़ा है तो, और आपने बस उसको फ़ौरन से कन्वर्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा। क्लासिक एडवांस सेम चीज़ है, कोई उसमें वो नहीं है। मार्जिन वही फ्यूचर्स में आ जाती है आपके पास। P2P मैंने जो बताया था, वो जो खरीदने वाली थी, ठीक है, वही चीज़ है। इसका ज़रा बता भी देते हैं। तो लेट्स से अगर हमारे पास यहाँ पे बिटकॉइन खुला हुआ है, बिटकॉइन लेना है मैंने, तो इसको हम जो है यहाँ पे ये देख सकते हैं। ये देखें, हम अगर मैंने $100 का लेना है तो यहाँ मैं टोटल में टाइप कर दूंगा 100। तो $100 का जो अभी रेट चल रहा है 36,900 समथिंग, इसका वो आ जाएगा बिटकॉइन, ठीक है। अब यहाँ पे तीन तरह की चीज़ें होती हैं, ये देखें, एक लिमिट होता है, एक मार्केट होता है, एक स्टॉप लिमिट होता है। स्टॉप लिमिट में एक स्टॉप लिमिट है और एक OCO है। OCO का मतलब है अदर वन कैंसल्स दी अदर, ठीक है। तो लिमिट में आप बेसिकली अपनी प्राइस सेट कर सकते हो। लेट से अगर मैंने सेट किया कि भाई बिटकॉइन अभी चल रहा है 36,000 समथिंग है ना, तो अगर मैंने बोला भाई 20,000 का आए, 20,000 का अगर होगा, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास $100 का बिटकॉइन उस प्राइस पे बाय हो जाए, ठीक है। तो जब बिटकॉइन $20,000 पे आएगा,
अगर आए तो ये बाय हो जाएगा, ठीक है, मुझे तो नहीं करना, मैंने अभी इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है जी। अच्छा जी, और क्या था, हाँ बस सेल का भी इसी तरीके से, अगर आपके पास बिटकॉइन वगैरह पड़ा है आपने सेल करना है, तो यहाँ पे आप जो है ये, अच्छा ये अक्सर नीचे पूछते हैं कि क्या चीज़ है, ये देखें ये जो बार है ना, अगर आप फ़ोन में हैं तो आपके पास लिखा रहा होगा 25, 50, 75 और फिर 100। बेसिकली ये आपको बोलता है भाई, अगर आपके पास टोटल फंड जितना पड़ा है उसकी, उसमें से कितना बाय ये सेल करना है, डिपेंडिंग ऑन आप क्या करना चाह रहे हो। बाय करना चाह रहे हो, अगर $100 पड़े हैं, $100 का 25% जो है वो $25 होते हैं, तो $25 का आपका यहाँ बाय हो जाएगा। आपके 1,000 पड़ा है तो 1,000 का जो 25% है वो बाय हो जाएगा। फिर यहाँ पे 50% है, तो यहाँ पे अगर इसको ये आप खींच के लाओगे तो आपका 50% का बाय हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। वैसे ये कोई ऐसी वो नहीं है, लाजमी नहीं है इसको यूज़ करना, ऐसी उन्होंने गाइडेंस के लिए दिया हुआ, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है मार्केट, मार्केट में बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे जो भी करंट प्राइस चल रही है, आपको कोई सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं करना, बस वो बाय हो जाएगा सीधा, ठीक है। तो ये $100 का मैंने अभी करना तो है नहीं, तो बाय में कर क्लिक करोगे तो वो बाय हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्टॉप लिमिट का नेक्स्ट वीडियो में बताया, नेक्स्ट वीडियोस में पता चल जाएगा आपको, अभी हम इसका ओवरव्यू कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, हम ट्रेड में आ गए थे, ट्रेड में आने के बाद डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स ठीक है, यहाँ पे हम आए फ्यूचर्स, वही फ्यूचर्स ट्रेडिंग आ गई, ये दोबारा फ्यूचर्स है, वेनिला ऑप्शंस इसको आप छोड़ दें, और लेवरेज टोकन्स। अच्छा, लेवरेज टोकन्स ऐसी चीज़ होती है कि ये कभी कभार आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग से भी ज़्यादा खतरनाक पड़ सकती है, कभी कभार जो है बहुत अच्छी भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आपका एक्सपर्टीज, आपकी खुद कितना है। अगर आप बिगनर हो तो इन सारी चीज़ें से दूर रहो, सिर्फ ये जो ट्रेड है ना क्लासिक, बस स्पॉट ट्रेडिंग के अलावा कुछ नहीं करना, फ्यूचर फ्यूचर्स ये वो मार्जिन वार्जिन कहीं नहीं जाना आपने, ठीक है। तो लेवरेज टोकन बेसिकली ये होते हैं, वो उसमें लिक्विडेशन नहीं होती, ये देखें लिखा हुआ है, एंजॉय इंक्रीज्ड लेवरेज, लेवरेज विदाउट रिस्क ऑफ लिक्विडेशन। इसमें ऐसा होता है कि नॉर्मल क्वाइन है ना आपका, कोई क्वाइन या टोकन कुछ भी, तो उसका पेयर होगा अप, उसका पेयर होगा जिसके साथ लगा हुआ होगा अप डाउन बेयर बुल, इस तरह का कोई वर्ड ना आगे लगा हुआ होगा, तो अप का मतलब होता है ऊपर जाएगा, डाउन का मतलब होता है नीचे जाएगा, बेयर जब बेयरिश होती है मार्केट तो नीचे जाती है, जब बुलिश मार्केट होती है तो ऊपर जाती है। तो बेसिकली जो भी आपका कॉइन या टोकन है उसके आगे जब इस तरह कोई सिंबल लगा हुआ है ना, अप डाउन बेयर बुल, तो जब भी वो उस डायरेक्शन में जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, ज़्यादा होगा, स्पॉट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। अब जैसे कि BTC है, BTC का 1 रुपया अगर बढ़ता है और BTC का कोई टोकन है तो उसके जो है वो 3 रुपये बढ़ेंगे, इस तरीके से होता है। लेकिन ये भी याद रखें कि अगर BTC का 1 रुपया नीचे होता है ना, तो फिर उसके भी 3 रुपये नीचे होंगे, क्यों, क्योंकि वो अप का टोकन है, अगर BTC अप के नाम से कोई है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता है यानी मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया आज तक, ठीक है, BTC अप अप में, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कभी इस तरह का सिग्नल दिया जाए तो इसमें आप कम पोर्टफोलियो यूज़ किया करें, ठीक है। और ये बैटल लॉन्ग शॉर्ट ये सारी चीज़ें हैं, बात की बात है, बेसिकली इसमें आपके टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, इस तरह की चीज़ें। फाइनेंस में आ जाते हैं, फाइनेंस में आपके पास आ गया बाइनेंस अर्न, ठीक है। तो लेट्स से भाई आपके पास कोई क्रिप्टो करेंसी बड़ी है, बड़ी भी आपने छोड़ दिया, आपने ट्रेडिंग वगैरह नहीं करी, तो जैसे आप अपना बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, ये भी आपको इंटरेस्ट दे सकता है आपके क्रिप्टो पे, मैं रेकमेंड नहीं करता, आपकी मर्जी है करना करें, ये एक ऑप्शन है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लोर करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप BTC जो है अपना डिपॉजिट कर सकते हो, ये फ्लेक्सिबल सेविंग वाला टर्म्स है, इसमें BTC BUSD व्यू मोड पर क्लिक करोगे तो ये पूरा नया खोल देगा, ये फलाना फलाना कॉइन है, इन पे इतना इतना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा फिर
फिर आप आओ फिक्स्ड पे। फिक्स्ड पे मतलब आई थिंक कुछ दिनों के लिए फिक्स हो जाएगा। USDT 7 दिन के लिए करोगे तो 6.31 APY आपको एस्टिमेटेड मिलेगा। और भी इस तरह के होंगे, फिर इथेरियम की भी स्टेकिंग है आई थिंक। तो स्टेकिंग इज नॉट, जो है स्टेकिंग इज नॉट इंटरेस्ट, ये भी ज़रा सा लोग कॉन्सेप्ट जो है ना मिक्स कर देते हैं। तो जी यहाँ पे इसके बाद फिर ये आपके हाई रिस्क प्रोडक्ट्स आ गए, ये थोड़े हाई रिस्क हैं, आप न्यू हो तो इसको अवॉइड करो। तो बेसिकली इसमें आप जो है वो ये बोल रहे हैं भाई इसमें इतना इतना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, लेकिन हाई रिस्क भी है आपको बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिक्विड स्वाप भी है, ये भी है, वो भी है, इसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, बाइनेंस पूल, ठीक है। तो इसमें आप अगर चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो। फिर ये बाइनेंस वीज़ा कार्ड इन्होंने अभी निकाला है, वर्ल्ड वाइड जो है आप पे क्रिप्टो करेंसी से चीज़ें खरीद सकते हो, वीज़ा कार्ड है बेसिकली। और क्रिप्टो लोन्स हैं, इनसे लोन भी ले सकते हो आप, अगर आपके पास क्रिप्टो पड़ी है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी इसमें आपकी आ जाती है, अगर आप इसमें आओ तो आपके यहाँ वेरिफिकेशन आ जाती है, ठीक है जी। तो सिक्योरिटी में आके यहाँ पे आपने बल्कि हाँ सिक्योरिटी में आके आपने यहाँ पे अपनी ना एक दो चीज़ें आपने ऑन करनी है, या तो आप ये करो SMS और ईमेल, ये दोनों चीज़ें आपकी मस्ट ऑन रहनी चाहिए, ठीक है, ताकि इससे आपकी इंटरनेट आपका जो अकाउंट है वो सिक्योर सिक्योरिटी बेसिकली ज़्यादा रहे, ठीक है जी। इसके अलावा आपका वेरिफिकेशन, वेरीफाई वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे क्योंकि मैंने वेरीफाई करवा लिया है, लेकिन आपके पास अगर ऑप्शन यहाँ आ रहा हो तो वेरीफिकेशन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरीफिकेशन जब तक आपने नहीं करवाई भी, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप यहाँ पे एक पैसा भी इसके अंदर डिपॉजिट करो या क्रिप्टो खरीदो या कुछ कुछ भी ट्रेडिंग वगैरह करो। क्यों? क्योंकि ना अगर बाइनेंस को लगा कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, वो आपका अकाउंट फ़ौरन फ्रीज कर देंगे। फिर उसमें 1 रुपया पड़ा हो, 1 लाख करो, कुछ भी पड़ा हो, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 रुपये, जो भी है अमाउंट, वो सब आप समझ लो, बस भूल जाओ उसको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बहुत ज़्यादा, वेरिफिकेशन आपने करवानी होती है। पासपोर्ट, ID, डिपेंडिंग ऑन कहाँ रहते हैं आप, जो भी वैलिड वेरिफिकेशन होती है आप वो करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो होपफुली इससे आपको समझ आ गया होगा मेजरली क्या चीज़ें होती हैं। और मार्केट्स में आई थिंक दोबारा बता देना, यहाँ पे ये कॉइन सर्च कर सकते हो आप ना, तो कोई भी कॉइन सर्च कर सकते हो, कोटी सर्च कर लिया। देखो कोटी सर्च किया तो ये डिफरेंट, ये 3 पेयर्स हैं, ठीक है, BNB, BTC, USDT। तो आप अगर ये कॉइन खरीदना है तो आप इसको BNB से भी खरीद सकते हो, बिटकॉइन से भी खरीद सकते हो, USDT से भी खरीद सकते हो, ठीक है। यहाँ बस ट्रेड पे क्लिक करो, ये आपको वहाँ ले जाएगा, ये आपको यहाँ साइड में वॉल्यूम भी बता रहा है भाई कितना इसका वॉल्यूम है 24 घंटे का। तो लेट से 24 घंटे में 77.18 बिटकॉइन इसके अंदर ट्रेड हो चुका है, USDT के हिसाब से 5.5 मिलियन, और BNB इसमें 2308.55 BNB ट्रेड हो चुका है, मार्केट ऐप भी बता रहा है इसका, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये होता है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा, इससे एक ओवरव्यू, एक अंडरस्टैंडिंग वगैरह समझ आ गई होगी। एक दो चीज़ें और बताता चलूँ कि इसमें अगर आप चाहो, आपके पास फ़ोन वगैरह है, फ़ोन में यहाँ पे डाउनलोड कर लो इसकी ऐप वगैरह, तो फ़ोन से आपको एक कन्वीनियंट है, बट अगेन ब्राउज़र इज मच मोर सिक्योर देन फ़ोन, क्योंकि फ़ोन जो है वो हैक वगैरह भी हो जाते हैं, तो ये बात भी है, ठीक है जी। तो चलें, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।